Good afternoon, students. Today among us, there is a very genius person named Mr. Yogesh Agrawal. He has done his mechanical engineering and he is here to tell you something about robotics. He has done his special course in robotics also. So I welcome you, sir, in our school. Kindly explain our students about these system and how it works. Actually, he has come to school to tell you about the robotics in coding. So, are you ready to learn the things? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Okay, over to you, sir. So, robotics start करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि robotics होती क्या है और उसकी definition क्या होती है, क्योंकि अगर हम एक बार definition समझ गए तो हम robotics के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि robot is an electromechanical device. इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक ऐसा वर्ड है, अगर इसको हम समझ जाते हैं तो रोबोट की तरफ हमारी पहली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया मैकेनिकल, सबसे पहले हमें समझना होगा मैकेनिकल को। मैकेनिकल क्या होता है? बेसिकली मैकेनिकल अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा समझेंगे इसको। मैकेनिकल का मतलब होता है हमारा मूवमेंट करना। अब हम इंसान है या फिर हम देखें, अगर हम कहीं से भी आते हैं, बस में आते हैं, कार से आते हैं या बाइक से आते हैं, वो मूवमेंट करती है, यानी एक लोकेशन से अनदर लोकेशन जाती है, वो क्या होता है? हमारा मूवमेंट होता है, और वही क्या है? मैकेनिकल है। अब मैकेनिकल हम समझने के बाद देखेंगे इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला नीड है इलेक्ट्रिकल, यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी मैकेनिकल फंक्शन में अगर हम करेंट सप्लाई देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल बन जाएगा। पर ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। जैसे मान के चलिए हमने ई रिक्शा का नाम सुना है, ई रिक्शा डायरेक्ट से चलता है और वो मैकेनिकल भी है, मूवमेंट करता है, लेकिन क्या? देखिए जैसा कि हमारे हाथ में 16 रोबोटिक पैनल है, तो यहाँ पर हमारे क्या लगा, 16 पैनल लगा हुआ है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, फिर भी धूप की वजह से क्या हुआ है, मूवमेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा चला के देखते हैं। ये डिपेंड करेगा इसकी पावर, धूप कितनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली छोड़ते हैं इसको। जैसी जैसी धूप की पावर होगी हमारे यहाँ पर, वैसे वैसे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, प्लेन सरफेस होगी। अब इसमें अच्छी क्वालिटी ये है कि यहाँ पे अभी तो हमने व्हील लगाए हैं, अगर हम चाहें तो इसके लेग भी लगा सकते हैं, यानी इसी फंक्शन को, जैसे कि और हमारे पास कुछ किट होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसके टूल, तो इसको हम 13 तरह के रोबोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक रोबोट है। नेक्स्ट रोबोट जो हमारे होंगे वो कोडिंग बेस्ड होंगे, जैसे कि स्पाइडर रोबोट। स्पाइडर रोबोट की खासियत ये है कि उसके पहली बार तो 6 पैर होते हैं, देन उसको मोबाइल से या लैपटॉप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें हम कितने भी डिस्टेंस से कर सकते हैं। अगर हमारा रोबोट यहाँ पर है, आप 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए हो, तब भी उसको अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, अपना कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि एनिमल रोबोट भी बहुत आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे मक्खी रोबोट है हमारे यहाँ पर, बनाने का कोशिश चल रही है अभी भी। उसके हमारे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे कि हमारा कोई दुश्मन देश है, हमने मक्खी यहाँ टकरा दी वहाँ पर, अब वो मक्खी है तो रोबोट है हमारे यहाँ पर ये, और जो भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी वो हम तक आ जाएगा, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरह की रोबोट में मक्खी रोबोट तो अभी नहीं बन पाई है, लेकिन फिश रोबोट सबमरीन्स को कैप्चर करने के लिए बन चुकी हैं। तो आगे हम धीरे धीरे और भी बेटर रोबोट देखेंगे। ठीक है, सो रोबोट आप आगे तो देखिए, इसके हमारे यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं जिसका यूज़ करके हम इसको 13 टाइप के रोबोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे शाफ्ट हैं, होल्डर्स हैं, गियर्स हैं। गियर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गियर ही पावर ट्रांसमिट करने के काम में आते हैं। तो अलग अलग तरह के टूल हैं, और ये पूरा रोबोट इन्हीं तरह के छोटे छोटे टूलों से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर पूरा एक गियर बॉक्स बना हुआ है, जो कि इससे आने वाली एनर्जी से ये चलता है। अब इसके पीछे अगर हम यहाँ पे देखें, एक छोटी मोटर लगी हुई है जो मोटर पावर को ट्रांसमिट करती है गियर बॉक्स पर, यानी व्हील रोटेट करता है।